नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि आज आरा के फैमिली कोर्ट में बहुत बड़ा जो मामला है वो लगातार लगभग 2.5 सालों से चलता आ रहा है, उस पर आज सुनवाई है, जिसमें पवन सिंह और साथी ज्योति सिंह कोर्ट में जो है वो हाजिर हो चुकी हैं। ताज़ा वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ज्योति सिंह अपने वकील के साथ जो है वो आरा फैमिली कोर्ट में पहुँच रही है। इससे पहले एक वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जहाँ पर देखा था आपने कि पवन सिंह भी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर जो कोर्ट में है वो पहुँचे थे। हियरिंग है आज, किस तरह की जो फैसले हैं वह सुनाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर जो एक बड़ा मामला कई सालों से जो लटका पड़ा है, लगातार मीडिया में सुर्खियों में है, यह मुद्दा कहीं ना कहीं आज विराम लगने की संभावना है, या साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि कोई कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। लगातार हमने कई महीने से देखा है कि कई बार पवन जी पहुंच पाए हैं, कई बार नहीं भी पहुंच पाए हैं, लेकिन अब जाके जो खबरें वह सामने आ रही है कि आज जिस तरह से गए हैं, उससे पूरी चांसेस हैं कि आज कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आएगा। तलाक के मुद्दे पर पहली बार जो है बहस है वो छिड़ेगी, और साथ ही साथ जल्द ही दोनों के तलाक के मामले या फिर कह सकते हैं साथ में रहने की जो है खबरें है वह साथ आएगी। हालाँकि अभी इस पर कुछ भी कहना नामकुन है, लेकिन ज्योति सिंह के आने के बाद से जो है खबरें वो काफ़ी अटकले हो गई है। हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ ही बोलने से इनकार किया, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कोर्ट के अंदर दाखिला लिया है, और साथ ही जब वो बाहर निकलेंगी तो जल्द ही हमें पता चलेगा कि वह किस तरह की जो स्थितियाँ थी, क्या फैसला आया है, और क्या अगली सुनवाई तक फिर कोई बात जो है वह टाल दी गई है। हालाँकि हमारे साथ बने रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वहाँ से हम लाकर आपको ज़रूर देंगे। नमस्कार। ज्योति सिंह आ चुके हैं, ज्योति सिंह जा रही हैं, पवन जी पहले आए हैं, उसके बाद ज्योति जी यहाँ से। अरे यार, आगे से रास्ता छोड़िए, आप लोग साइड हो जाइए, चलिए माफ, अरे रास्ता छोड़िए, जल्दी देर में।